तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक चीज़ बताने वाला हूँ, या बोल सकते हैं कमाल की एक सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, या एक फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपको आपके सैमसंग गैलेक्सी में मिलता है। अधिकतर प्रीमियम फोन्स में और ए सीरीज़ के फ़ोन में ही आती है नॉक्स इन बिल्ड, या बोल सकते हैं नॉक्स सिक्योरिटी। तो सैमसंग के गैलेक्सी की जो ए सीरीज़ होती है, एस सीरीज़ होती है, या जो भी पुरानी सीरीज़ हैं, बट एम सीरीज़ में बहुत कम और एफ सीरीज़ में बहुत कम में आता है नॉक सिक्योरिटी का सपोर्ट। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नॉक सिक्योरिटी होता क्या है और कौन कौन सी ऐप इसके सपोर्ट होकर चलती है, और एक्चुअल में ये फीचर्स काम कैसे करते हैं। सारी डिटेल आपको बता दूंगा, पूरी फीचर बताता हूँ। तो सबसे पहली बात करूँ, जो नॉक्स होता है ना, ये नॉक्स इनबिल्ड होता है आपके मोबाइल में। ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं से भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, वो दोनों मिला के बनता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिला के जो सैमसंग गैलेक्सी में आपको मिलता है वो होता है नॉक्स। ये आपको आपके सैमसंग गैलेक्सी में मिल जाएगा। अगर आपने सैमसंग गैलेक्सी को ऑन करते होंगे तो वो आपके सैमसंग गैलेक्सी के नीचे पहले ही बता देता है, नॉक्स का नाम लिखा जाता है। अगर नहीं दिख रहा है आपको तो आप अपने सैमसंग गैलेक्सी के अबाउट फ़ोन में भी जाके देखेंगे, तो आप अपने सैमसंग गैलेक्सी के अगर आप अपने उसके सैमसंग गैलेक्सी के अबाउट फ़ोन में भी जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको नॉक्स का वर्ज़न मिलता है। आप देख रहे होंगे ये नॉक्स का वर्ज़न आपको मिलता है। तो नॉक्स क्या रहता है, प्री इंस्टॉल रहता है सैमसंग गैलेक्सी में, जैसे कि मैंने बताया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये वहाँ पर आपके डेटा को काफ़ी हद तक सेव करता है, ताकि कोई भी मालवेयर या कोई भी ऐसा कोई डायरेक्टली आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके, डेटा को चुरा ना सके। तो इसमें आपको बहुत सारी ऐप्स मिलती हैं सिक्योरिटी के लिए, जिसको आपको इनेबल करना पड़ता है। लाइक सबसे पहले मिलता है आपको सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन, आप सिक्योर फोल्डर में डाल सकते हैं, जिससे कोई भी आपकी फ़ोटो वीडियो ऐप्स या जो भी चीज़ है ना, वो आपकी एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक उसके अंदर की नहीं डलेगी। की नहीं डलेगी मतलब कि उसकी प्राइमरी की, उसको कोई फॉरगेट भी नहीं कर सकता, फॉरगेट करेगा और डेटा लूज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिक्योर फोल्डर मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पर सैमसंग पासवर्ड का सपोर्ट मिलता है। सैमसंग पासवर्ड आपको पता होगा, एक पासवर्ड मैनेजर होता है जिसके अंदर अपने सारे पासवर्ड, ऐप्स के कीज़ या जो भी चीज़ वहाँ पर आप इंस्टॉल करते हैं सब उसके अंदर सेव होते हैं। तो वो भी नॉक्स के थ्रू ही काम करता है और नॉक्स के साथ ही आपका डेटा को सेव करता है। उसके अलावा आपको सैमसंग वॉलेट मिलता है, वो भी नॉक्स पे चलता है। उसके अलावा जो भी आप सिक्योरिटीज़ डालते हैं, जैसे कि आप फ़ोन पे चलाते होंगे, सबसे पहले जो पासवर्ड मांगता है ना, वो सब नॉक्स सिक्योरिटी के साथ चलता है। तो ये होता है नॉक्स सिक्योरिटी, जो कि इनबिल्ट रहता है जैसा कि मैंने बताया। अब मैं आपको उसके ऐप्स के यूज़ करके आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस आई टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉक्स आपको मिलता है सिक्योर फोल्डर्स में, सैमसंग की ऐप्स के अंदर भी प्री इंस्टॉल सपोर्ट रहता है, और मेनली आपको सपोर्ट मिलता है सैमसंग पास ऐप में, आपको ये मिलता है। और ये इंटरनली बैकग्राउंड में आपके सैमसंग के जो फाइंडिंग ऐप होती है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प देता है और सिक्योरिटी करने में बहुत हेल्प करता है। जैसा कि मैं आपको ले जाऊँ यहाँ पर सेटिंग्स पे, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है ये ऊपर सैमसंग वाले अकाउंट्स में, एंड देन वहाँ पर आपको जो डिवाइस की प्रोटेक्शन जो मिलेगी ना, या फिर जो भी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मिलती है, ज़्यादातर आपको सैमसंग का जो नॉक्स है, ज़्यादातर समय सैमसंग नोट्स का ही सपोर्ट मिलता है, सैमसंग की नॉक्स का ही सपोर्ट मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में भी जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी सैमसंग नॉक्स के थ्रू ही ये काम करता है। साथ में आपको गैलेक्सी सैमसंग पास में जाएंगे तो सैमसंग पास भी आप नीचे दिखता भी है, नॉक्स के थ्रू चलता है। जैसे कि दोबारा खोलूँ तो आपको दिख जाएगा पावर्ड बाय सैमसंग नॉक्स आपको दिख रहा है, तो सैमसंग नॉक्स भी इसके थ्रू चलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से डेटा को सेव करता है। सैमसंग फाइंड ऐप्स देखेंगे तो भी ये नॉक्स के थ्रू ही काम करता है, जिससे आपको डेटा को फाइंड करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहे, तो ये चीज़ काम करती है। अब इसके बाद बात करें सिक्योर फोल्डर की, मेनली यहाँ पर दो ऐप सपोर्ट करके चलती हैं। जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पर अपने व्हाट्सएप पे मैंने लॉक लगा के रखा है, तो ये चीज़ भी जो काम कर रही है ना, ये मेरे सिक्योरिटी या मेरा फेस या जो चीज़ भी ले रही है, ये सब सैमसंग नॉक्स के थ्रू ही काम होता है, जिससे आपके डेटा को सिक्योरिटी को बना रहता है। ये आपको सैमसंग पास में मिलेगी, जैसा कि मैं सैमसंग पास के सपोर्ट में जाऊँ, सेटिंग्स में जाऊँ, मैं आपको लेके जाऊँ सैमसंग पास के अंदर, ठीक है। सैमसंग पास क्या है, सैमसंग पास के अंदर ही आपको सपोर्ट मिलता है नॉक्स का, जिसके अंदर सारे डेटा को आप यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। और ये फिलहाल सैमसंग वॉलेट और सैमसंग पास दोनों एक ही हो गया, आप यहाँ पर जाके देखेंगे ये आपसे ऐसे सिक्योरिटी में तौर पे आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, आपका जो भी फिंगरप्रिंट है आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो अंदर जाएगा, सारा डेटा आपका वहाँ पर प्रोटेक्टेड रहेगा,
ताकि आप वहां पर कोई भी एक्सेस ना कर सके। वॉलेट और ये सब दोनों काम करते हैं इसके थ्रू। उसके बाद जो मेन ऐप है इसकी जो काम करती है, जिससे आपका डेटा वहां पर काफी हद तक बचता है, वो है सिक्योर फोल्डर। सिक्योर फोल्डर एक तरीके का एक स्पेस को क्रिएट कर देता है, जहां पर भी आप जो भी चीज डालेंगे, जो उस ऐप के अंदर जो भी चीज डालेंगे, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहने वाली है। जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो इसमें आपको एक अपना पासवर्ड देना पड़ेगा, जो भी आपने पासवर्ड पेन पैटर्न जो भी आप सेट करना चाहो सेट कर सकते हैं। और सिक्योर फोल्डर में आप अपने कैमरे से रिलेटेड फोटोज डाल सकते हैं, इंटरनेट जो भी आप ब्राउजिंग करते हो डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट डाल सकते हैं, गैलरी की फोटोज डाल सकते हैं, कैलेंडर, नोट्स, इंस्टाग्राम एक अलग से आईडी यूज करना हो तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मतलब सारी ऐप यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा भी और डालना है तो यहाँ पर प्लस करेंगे और भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जोन सी भी आपको डालना है। जैसे लाइक मुझे एयरटेल डालना है, मैंने डन करा, एयरटेल ऐड कर दिया तो वो भी यहाँ पर ऐड हो गई होगी। आप देख सकते हैं सब आपको यहाँ पर ऐड हो गया है। आपको यहाँ पर देख लेना है, आपको जो जो यूज़ करना है यूज़ कर लो। अगर आपको हटाना हो या गैलरी में अपने डेटा डालना हो, गैलरी में जैसे मैंने डेटा डाल रखा है और डालना हो, तो आप यहाँ से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उसको और डालना हो तो आपको वहाँ से जाके उसको सेंड टू गैलरी में, सेंड टू आपको यहाँ पर करना होगा, सेंड टू सिक्योर फोल्डर, वो सिक्योर फोल्डर में आ जाएगी। जैसे और आप शेयर ऐसे टाइम करते ना, यहाँ सिक्योर फोल्डर को शेयर कर देंगे तो आपकी फोटो वहाँ पर सेव हो जाएगी सिक्योर फोल्डर के अंदर। बाद में आप उसका कहीं भी यूज़ करना चाहें, कहाँ भी यूज़ करना है, कॉपी टू सिक्योर फोल्डर में कर देंगे। सिक्योर फोल्डर में कॉपी हो गया है और आप सिक्योर फोल्डर में जाके देखेंगे तो फोटो आपको दिख जाएगी रिसेंटली आती हुई। तो इस तरीके जो भी यहाँ पर डेटा रहेगा फुली सेफ्टी रहने वाला है, कोई डेटा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सिक्योर फोल्डर को जब भी जाना हो आपको अपना कीवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके आप डाल सकते हैं। ओवरऑल एक सिंपल शब्द में क्या जाए तो नॉक्स एक सिक्योरिटी होती है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी वाले अपने सैमसंग के प्रीमियम फोन्स में और सब सैमसंग के सभी फोन में देता है। एक लेयर तरीके की सिक्योरिटी जिसके थ्रू आप अपने सैमसंग गैलेक्सी के पासवर्ड को सेव कर सकते हैं, सिक्योर फोल्डर में डेटा को सेव कर सकते हैं, साथ में अगर कोई ट्रांजिशन करते हैं फोन पे वोन पे तो उसके थ्रू भी आप वहां पर अपनी एक्यूरेसी को या सिक्योरिटी को बना सकते हैं। साथ में जब भी आपका मोबाइल कभी चोरी हो जाए या कुछ हो जाए तो आप इजीली उसको फाइंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का पूरा सपोर्ट आपको सैमसंग नॉक्स देता है। यही नया फीचर था या बोल सकते हैं यही जो मैंने आपको सैमसंग नॉक्स के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।